व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस, और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चों, तो आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स में वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस कल हमने वेरिएशन कराया था, आज हम वेरिएंस कराएंगे। तो वेरिएंस क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है ना। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना स्किप करे देखिएगा तो ही आपको अच्छा समझ आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वेरिएंस जो है बच्चों, सबसे पहले मैं वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू एस डी का स्क्वायर। वी इज इक्वल टू एस डी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। वेरिएंस को बोलते हैं वी, ठीक है ना। तो एस डी स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस डी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये यहाँ से आपकी दो प्रैक्टिस होंगी, एक तो मोर देन लेस देन भी खत्म होगा। कल हमने लेस देन भी करा दिया था साथ साथ में, आज हम मोर देन भी इसके साथ साथ में फिनिश करा देंगे आपको, ठीक है ना। दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको मोर देन में क्वेश्चन गिवन हो, और आपको इसको सबसे पहले क्लास बनेगी और इसमें ऐप बनेगा, तो किस तरीके से बनेगा आइए देखते हैं। पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास का कॉलम बनाएंगे, फिर यहाँ पे एफ का कॉलम बनेगा। एफ के बाद आपको पता है एक्स निकलता है, एक्स के बाद आपको पता है डी निकलता है, डी के बाद एफ डी बन जाता है, ठीक है ना। और एफ डी के बाद एक कॉलम और बनता है एफ डी स्क्वायर का, ठीक है ना। कॉलम सारे एक साथ ही बना लेते हैं हम, क्योंकि अब तो हमें पता लग गया क्या क्या बनना है। आपको भी ऐसे ही करना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना, आसानी हो जाती है सब काम करने में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे सीआई। क्या बनाएंगे, सीआई। अब सीआई मोर देन में कैसे बनती है, मोर देन का मतलब होता है बच्चों जीरो से ज्यादा, दस से ज्यादा, बीस से ज्यादा, तीस से ज्यादा, चालीस से ज्यादा, पचास से ज्यादा, साठ से ज्यादा, सत्तर से ज्यादा, कितना ज्यादा, जितने का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सब में दस दस का डिफरेंस आया, तो मतलब दस ज़्यादा। तो जीरो से दस ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, जीरो से दस, दस से बीस का, दस से ज़्यादा का मतलब क्या है, दस से बीस, बीस से ज़्यादा का मतलब क्या होगा, बीस से तीस, तीस से ज़्यादा का मतलब तीस से चालीस, चालीस से ज़्यादा का मतलब चालीस से पचास, पचास से ज़्यादा का मतलब पचास से साठ, साठ से ज़्यादा का मतलब साठ से सत्तर, और सत्तर से ज़्यादा का मतलब सत्तर से अस्सी। कल बताया था ना मैंने आपको कि लेस देन वाली टर्म हो तो ये वो यहाँ बनेगी लास्ट वाली टर्म, यानी कि ये बनेगी अस्सी। और अगर आपकी मोर देन में हो तो सेवेंटी जो है ये आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी, ठीक है ना। तो हम बनाते हैं अब यहाँ पर एफ। मोर देन में ध्यान रखना, मोर देन में जो आपकी एफ बनती है वो नीचे से बनती है, और लेस देन में आपकी ऊपर से बनती है। तो यानी कि पहले आती है जीरो, तो जीरो आपका जुआ तो रहेगा, पाँच में से जीरो घटाए पाँच आ जाएगा, पंद्रह में से पाँच घटाएंगे दस आ जाएगा, पच्चीस में से पंद्रह घटाएंगे दस आ जाएगा, पचास में से पच्चीस घटाएंगे पच्चीस आ जाएगा, पिछहत्तर में से पचास घटाएंगे पच्चीस आ जाएगा, नब्बे में से पिछहत्तर घटाएंगे नब्बे में से पिछहत्तर पंद्रह आ जाएगा, और सौ में से नब्बे घटाएंगे दस आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारी एफ बनती है। एफ के बाद क्या बनाते हैं आपको बताइए बच्चों। एफ के बाद हम बनाते हैं डी। क्या बनाते हैं, एक्स बनाते हैं, सॉरी पहले। तो यहाँ पे बना दो आप एक्स। एक्स कैसे बनता है, आप क्या करें, इन दोनों का टोटल उसका आधा, दस और जीरो दस, दस का आधा पाँच, बीस और दस तीस, तीस का आधा पंद्रह, तीस और बीस पचास, पचास का आधा पच्चीस, सत्तर का आधा पैंतीस। इस तरीके से आपको एक्स बनानी पड़ती है, पता ही है, लगातार यही बताता हूँ, शुरू से यही बताते आ रहे हैं, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। अब यहाँ बनाएंगे हम डी। डी बराबर होता है बच्चों एक्स माइनस ए। तो एक्स आप कोई भी लेट कर लो इनमें से, बीच में से, बीच में से आ रही है हमारी ये दोनों टर्म आ रही हैं, पैंतीस और पैंतालीस,
ठीक है ना, कोई सी भी लेट कर लो, मैं 35 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आप 45 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। चलिए, 5 - 35, माइनस के 30, माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30, 40। यहाँ बनाएंगे आप एफ डी, एफ की डी से मल्टीप्लाई, तो 30 के 10 से करेंगे, माइनस के 300, 15 की 20 से करेंगे, माइनस के 300, 10 की 25 से करेंगे, माइनस के 250, 25 की 0 से करेंगे, 0, 10 टेन जा 100, 10 की 20 से करेंगे 200, 35 जा 15, 40 0 0। टेबल ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एच डी के नाम पे बस आपको ध्यान रखना है, पूरा पूरा बनाना है पोर्शन, एफ डी स्क्वायर बन देंगे, एफ डी की डी से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 25 1 जा 25, 0 0 0, 100 की 10 से करेंगे 1000, 2 2 जा 4, 15 3 जा 45, 40 0 0। आप यहाँ पे क्या करें, एक तो सिग्मा एफ डी निकाल दें, एक तो आप निकालेंगे सिग्मा एफ डी, यहाँ निकलेगा सिग्मा एफ डी, यहाँ निकलेगा सॉरी सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यहाँ निकलेगा सिग्मा एफ डी, और यहाँ निकल जाएगा सिग्मा एफ, क्योंकि इन तीनों का ही काम होता है। कर दीजिए फटाफट से, इसका टोटल तो आ जाएगा आपका 100, इसका टोटल करेंगे देखो 200, 300, 400, 450 हो गया प्लस का, और 250, 3 और 3 6 2 8, 850, तो 450 में से 850 गया, माइनस के कितने आएंगे 400, 9 और 6 15 और 2 17, 9 और 6 15 2 17, 18 और 4 22, और 1 23 और 4 27, 27 आ रही हो गया। सबसे पहले मीन निकालेंगे, मीन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मीन की जरूरत तो कॉफिशेंट में होती है, तो फटाफट से यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुटिंग कीजिए फटाफट से जल्दी। यहाँ पे लिखें आप रो इज इक्वल टू, यानी कि एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे लेके चलता हूँ आपको मैं, अब पुटिंग कर दो वैल्यू फटाफट से, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है भाई, 27,000, सिग्मा एफ कितना है 100, माइनस सिग्मा एफ डी कितना है माइनस के 400 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 100 का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कितना आया 270, माइनस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो गए। फटाफट से इसको कैलकुलेट कर दें आप, अंडर रूट 270 में से 16 गया, 60 254, 254 का रूट करके बताइए सब लोग फटाफट से कितना आता है, मैं भी करता हूँ, 254 का रूट कर देंगे, कैलकुलेटर से करना ठीक है ना, आता है 15.93, 15.93
15.93 आ जाता है। तो ये आपका एसडी आ गया भाई। लेकिन हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों एसडी का स्क्वायर। तो एसडी है आपका 15.93, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा 254। वेरिएंस आ गया आपका, वेरिएंस आ गया आपका 254। ठीक है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बना। तो इस तरीके से आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। और अगर आपको इसका कोई, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार इसका, तो मैं आपको इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं या ना बताऊं, आप एक बार देख लो एक बार, है ना। बाकी लाइक ज़रूर करें अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो आपको, एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा आपको। और कोई भी चीज़ चाहिए हो अगर आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर कोई भी चीज़ हो आपको तो वहाँ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको बच्चों, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन ये कहता है आपको, इन अ क्लास आपको क्या दिया हुआ है। देखो दो क्वेश्चन कराऊंगा, इफ बार एक्स इज इक्वल टू दिया आपको 27, और साथ में आपको एच डी दे दिया कितना 15.52। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, चार नंबर में आ जाता है कई बार। कह रहा है वो, कह रहा है फाइंड आउट सी वी, कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस। तो कल हमने आपको कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस करवाया था। कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला होता है एच डी अपॉन मीन इंटू 100। तो एच डी कितना है 15.52, मीन कितना है 27 इंटू 100। सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कीजिए सॉल्व आउट कीजिए, 1552 हो गया ये, डिवाइड कर देंगे 27 से तो आपका सी वी आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा आपका 57.48। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, देखिएगा ये बी क्वेश्चन है, वो ए था। इसके अंदर क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, है ना। इसमें क्या है, वो कह रहा है कि इन अ क्लास, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इन अ क्लास, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, ऑफ यानी कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टोटल ऑफ मार्क्स एंड वेरियंस आर 400, एंड वेरियंस 400 एंड 20.25, while in another class 40 students value were 1268.89. compare the dispersion in the marks of both group and while in other class 40 student value were
वैल्यू वर 1200 एंड 68.89, ठीक है ना, कंपेयर करना है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो इस तरीके से यहां पे लिख देता हूं मैं क्लास ए, और यहां लिख देता हूं क्लास बी। तो अब मैं अगर यहां पे सबसे पहले 12x निकालता हूं, तो 12x 400 नंबर्स अपॉन 10 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 12x 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहीं पे अगर हम इसका वेरिएंस निकाल दें, सॉरी रॉ निकालने के लिए वेरिएंस दे रखा उसने, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस दे रखा है ना, तो अभी वी का फॉर्मूला बताया आपको रो स्क्वायर, तो वेरिएंस दे रखा उसने कितना दे रखा वेरिएंस ऊपर क्वेश्चन में 20.25, तो 20.25 इज इक्वल टू रो स्क्वायर, यानी कि रो इज इक्वल टू कितना हो गया, रो इज इक्वल टू अंडर रूट 20.25। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई, इसका इसका रूट कर देना आप, तो आंसर आ जाएगा 4.5। तो रो भी निकल गया आपका और मीन भी निकल गया, ठीक है। तो आप सी वी निकाल देंगे, इसका सी वी निकालना बड़ा इजी है। सी वी कैसे, सी वी इज इक्वल टू एस डी अपॉन मीन इंटू 100, एस डी कितना है 4.5 अपॉन 40 इंटू 100, सॉल्व आउट कर लेंगे इसको, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 45/4 करेंगे तो सी वी आ जाएगा आपका 11.25%, क्लास एक का। अगर हम बी ग्रुप का करेंगे इसी तरीके से, तो सबसे पहले क्या निकलेगा 12x, तो 12x का फॉर्मूला लगेगा, आप ऊपर देख लो 12x कितना, ये कितना दिया उसने नंबर, ये दिया उसने 40 स्टूडेंट है और 1200 इसका टोटल नंबर है, तो निकाल देंगे ऐसे करके 40 स्टूडेंट हैं और 1200 ये है नंबर्स, तो 1200 बटा 40 कर देंगे, 4 3 12 30 आ गया, और जब 30 आपका ये आ गया तो यहाँ पे v निकाल देंगे, v इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर होता है, तो v कितना दे रखा क्वेश्चन में, v दे रखा है आपको 68.89, तो ऐसे करके निकाल दो भाई, 68.89 इज इक्वल टू रो स्क्वायर, या रो इज इक्वल टू अंडर रूट 68.89, तो रो इज इक्वल टू कितने आ गया, 68.89 का रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.3, कैलकुलेट कर लेना 8.3, ये रो आ गया, जब रो भी आ गया और ये भी आ गया तो सी भी निकल जाएगा, रो अपॉन एस डी, रो अपॉन मीन इंटू 100 कर देंगे भाई, रो अपॉन मीन इंटू 100, रो है आपका 8.3, मीन 30 इंटू 100, बड़ा आसान है, जीरो से जीरो कैंसिल, 83/3 आंसर आ जाएगा आपका, सी वी कितना निकला 27.67। तो अगर हम कंपेयर करें तो बी क्लास का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है, आपको छोटा क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से करने हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखा गया एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।